दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा अर्थात सीजी व्यापम के द्वारा जो शीघ्र लेखक एवं स्टेनोटाइपिस्ट पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरा जाए, सारी जानकारी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया जाएगा। वीडियो पर बने रहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले जरूरी है यह जानना कि इन पदों के लिए कितने पोस्ट वेकेंट है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो जारी कर दी है जिसमें सारी जानकारी है कि इन पदों की में कितने कितने पोस्ट ओपन हुए हैं, उनके फॉर्म भरने का डेट क्या है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, किस विभाग में कितने पद है, सारी जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो यहाँ पर आई बटन पर एक लिंक आ रहा है, उसे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर पहुंचना होगा। तो इस पेज पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, वहां पर टाइप करना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम टाइप करने के बाद आप उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहां पर लिखा हुआ है सीजी व्यापम डेस सीजी गवर्नमेंट, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसके होम पेज पर पहुंचेंगे। होम पेज को चेक कर लीजिएगा, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वही है कि नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है लिखा हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिन पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भराया जाना है सारी जानकारी सामने आ गई। अब उस पद का चयन कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर शीघ्र लेखक अंग्रेजी हिंदी का चयन करने वाले हैं तो इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर इन पदों के संबंध में सारी जानकारी है कि इसका न्यूज़पेपर में जो आया था कटिंग, उसका यहाँ पर कटआउट मिलेगा, साथ ही विभागीय नियम क्या है, सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट निर्देश क्या है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ इसमें है। इसमें से हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहीं से आपको अपनी जानकारी को फिलअप करना है। इसमें जो निर्देश इसको पढ़ लीजिएगा, मैं फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको चयन करना है, यदि आप छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी है तो हाँ को चयन करेंगे, नहीं करते हैं तो आगे फार्म ओपन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यह जो वैकेंसी है केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है। हाँ को क्लिक करने के बाद आगे की जानकारी ओपन होगी। अब यहाँ पर देखिए तीनों पदों का विवरण है, तो तीनों पदों का विवरण है, तो अपनी शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिटी के अनुसार से आप जो है तय कर लीजिए कि क्या आप तीनों पदों के लिए योग्य है। यदि तीनों पदों के लिए योग्य है तो तीनों को क्लिक करेंगे, और तीनों में से किसी एक पद के लिए योग्य है तो एक पद का क्लिक करें, एक पद को जो है चेक सॉरी टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीनों पद को टिक कर लेते हैं। हम मानते हैं कि जो योग्यता है तीनों पद के लिए है। योग्यता क्या क्या होगी इसके लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, ये पेपर का कटआउट है, इसमें योग्यता लिखा हुआ है। और जानकारी प्राप्त करने के लिए जब आप इस पेज पर जाएंगे तो विभागीय जो नियम है उसका अवलोकन करके आप जो है योग्यता को जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टेनोटाइपिस्ट हमने क्लिक किया, उसके बाद नया एक जानकारी आ गया कि क्या आप इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं रखते हैं। हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद इस पद के लिए जितने विभाग में वैकेंसी आई है उन सब का नाम यहाँ पर आ गया। इसमें से आपको प्राथमिकता के क्रम में चयन करना है। प्राथमिकता का क्रम किस प्रकार से समझिए, मान लीजिए परीक्षा में आपका रैंक बहुत अच्छा आ जाता है, आपकी नियुक्ति होना है, ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले किस विभाग में जाना पसंद करेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, उसी विभाग को पहले चयन कीजिए। मान लीजिए आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, फिर ऐड करेंगे। मान लीजिए आपका रैंक थोड़ा सा कम आया और इसमें नहीं हो पाया तो अगला किस में जाना चाहेंगे, तो उस हिसाब से इसमें डिपार्टमेंट का चयन करेंगे। ठीक है, ये आप चयन कर दिए, इसको अपने अनुसार से आगे पीछे कर सकते हैं। मान लीजिए इसको सबसे ऊपर में करना है तो सबसे पहले सबको जो है रिमूव कर दीजिए, उसके बाद जिसको ऊपर करना है उसे पहले क्लिक कीजिए फिर ऐड कीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार से आप अपने अनुसार से ही कीजिएगा। उसके बाद है स्टेनोग्राफर हिंदी, इसमें भी हाँ कर दीजिए। हाँ करने के बाद पूछा जाएगा कि क्या आपके पास प्रमाण पत्र है, है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे ओपन नहीं होगा। हाँ करेंगे तो किस वर्ष आपने ओपन परीक्षा पास आउट किया था उसकी जानकारी भरना है। मान लीजिए आप 2020 में किए थे, ठीक है। उसके बाद इस पद के लिए स्टेनोग्राफर के लिए किस किस विभाग में वैकेंसी निकली है सामने आ गया, इसमें भी उसी प्रकार से आपको अपने अनुसार से प्राथमिकता के क्रम को निश्चित करना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज बताया जा रहा है, कहीं पर भी छोड़िएगा मत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद आ गया स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसको हाँ क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट मान लीजिए इसको आपने 2019 में किया है, ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए एक ही विभाग में ओपन हुआ है, तो एक ही विभाग का नाम है, एड करेंगे, यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से आपने डिपार्टमेंट का जानकारी फिलअप कर दिया। अब आता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, अर्थात आपका नाम पता सारी चीजें। तो यहाँ पर पहले बॉक्स में देखिए कैंडिडेट नेम है, तो कैंडिडेट नेम में आपको अपना नाम लिखना है। नाम कैसे होना चाहिए, आपके 12वीं के अंक सूची में, 12वीं के मार्कशीट में जैसा लिखा है उसी स्पेलिंग को यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर सैंपल के तौर पर लिख रहे हैं ABCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फादर, मदर या हस्बैंड का नाम लिखना है। तो चलिए हम फादर को सिलेक्ट करते हैं। फादर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फादर के नाम को लिखना है। चलिए हम सिंपल के तौर पर DEF रख रहे हैं, आप अपना रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको फिलअप करेंगे। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ जो है 10 दिसंबर 1992 है, तो यहाँ पर 1992 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद जेंडर क्या है, जेंडर का चयन करेंगे। कैटेगरी क्या है, आप जैसे ही कैटेगरी का चयन करते हैं उस कैटेगरी के आधार पर जो फीस तय किया गया है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसमें दुविधा मत रखिएगा कि एक पद के लिए अलग फीस देना पड़ेगा, दो पद के लिए, सभी पदों का भी चयन कर लेते हैं तो भी आपको उतना ही फीस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, हाँ या ना, यदि हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। किसी प्रकार की दिव्यांगता है तो यस करेंगे, जैसे ही यस करते हैं दिव्यांगता के प्रकार सामने आते हैं, यदि नहीं है तो नहीं को करेंगे, नो को करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो साइज है 40 KB से 60 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का जो साइज है 20 KB से 40 KB के बीच होना चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए डायरेक्ट अपलोड करोगे तो नहीं होगा, पहले यहाँ से फाइल का चयन करना पड़ेगा इसको क्लिक करके। जैसे क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर में जहाँ पर आपने किया है उसको सर्च कर लीजिए, मैं यहाँ पर रखा हूँ, उसमें से फोटो को सिलेक्ट करना, यहाँ से ओपन करना, ये जो है इसमें आ गया, अभी अपलोड नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ से अपलोड फोटो को क्लिक करना है, फिर यस को करना है, ठीक है, वेट करना है। देखिए ये लोडिंग हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये टिक का निशान आएगा, वेट करना है। वीडियो कैसा लग रहा है अवश्य बताएं, ठीक है। जानकारी पर्याप्त मिल रही है तो कमेंट करके बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनको लाभ मिल सके, ठीक है। वेट कीजिएगा, ये घूम रहा है क्योंकि सर्वर में स्लो है, इस कारण जो है प्रॉब्लम होता है, टाइम लगता है। देखिए यहाँ पर टिक लग गया। अब यही काम जो है आपको सिग्नेचर के लिए करना है, फाइल का चयन करना है, यहाँ पर सिग्नेचर है, ओपन करना है, यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, यस करना है, यहाँ पर भी वेट करना है, अपलोड होते तक आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है अपलोड हो गया है फोटो, उसी प्रकार से सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा, वेट कीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को छोड़िएगा मत, सारे जानकारी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बताया गया जा रहा है, ठीक है। आप कंपटीशन एग्जाम के लिए यदि गणित विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एक और चैनल है उज्ज्वल लक्ष्य, जिसमें जो है गणित को बहुत अच्छे से बताया जाता है, आप उसके वीडियो देखकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेसिक बहुत अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, जब टिक लगा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए आ भी गया, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आपकी विवाह हुआ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर विवाह हुआ है तो मैरिड में और नहीं हुआ तो अनमैरिड में, ठीक है, इसे अनमैरिड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना है, आपके मकान नंबर क्या है, आधार नंबर में या फिर जो एड्रेस हो आपके पास है उसके अनुसार से। तो चलिए हम 12 डाल दिए, सिटी डाल दिए, KALM, ठीक है। ये केवल क्या है, डेमो फॉर्म है, इसलिए ऐसे ही भरा जा रहा है, आपको सही जानकारी भरना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस छत्तीसगढ़, पोस्ट ऑफिस का डाल देंगे ABC, स्टेट छत्तीसगढ़, जिला का चयन कर लेंगे जैसे रायपुर कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालना है, ठीक। उसके बाद रीजन, आप जो है अर्बन है कि शहरी, अर्बन है कि रूरल है, अर्थात शहरी है कि ग्रामीण है, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर का चयन करेंगे, इसमें से जो दिया है उसी में से चयन करना है, जैसे रायपुर कर दिए, क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना है, बिल्कुल एज इट इज जैसा लिखा है उसी प्रकार से। ये सारी जानकारी भरने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भी जानकारी यहाँ पर आप दिए गए उसको बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक है, फिलहाल तो आप एक बार और पढ़ लीजिए, आप कन्फर्म है तो ओके कर दीजिएगा, अदरवाइज कैंसिल करके फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वेट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ओके किया, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया, इसको जो है आप सिलेक्ट करके कॉपी करके रखिएगा, आप अपने पास लिख के रखिएगा। उसके बाद आपने किन किन पदों के लिए भरा है सारी जानकारी आ गई, ठीक है, ये आप चेक कर लेंगे, जो जो जानकारी आपने दिया है वो सही है कि नहीं है, फोटो चेक कर लेंगे, सिग्नेचर चेक कर लेंगे, बाकी जो जानकारी चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार की कुछ त्रुटि है
तो वापस जा करके सुधार सकते हैं। अगर सही है तो आप सीधा सीधा पे पर जाएंगे। पे पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट का प्रोसीजर आ रहा है। आप पेमेंट गेटवे 1, गेटवे 2, गेटवे 2 का यूज कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे, वेट करिएगा। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करना है फीस का, तो इसके लिए आप जो है नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं। क्लिक करके जिस बैंक का यूज करना चाहते हैं, जिस बैंक में आपका खाता है उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होता है, और पे कर सकते हैं। क्योंकि ये पेमेंट का मामला है इसलिए और आगे का नहीं बता रहा हूँ, आप स्वयं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ और आपसे मिलेंगे। नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का वेट रहेगा।